हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्चिस किचन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, आप सभी को विश यू ऑल वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण जी के बर्थडे पे हम बनाएंगे नारियल के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स पाक। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डालना है। मैं यहाँ पर होममेड देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल, और इसे सीधा हम पकाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि कोकोनट में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है यानी कोकोनट ऑयल होता है। जब आप इसे कुक करेंगे तो वो उसे रिलीज़ करेगा, इसलिए 2 स्पून घी काफ़ी होगा। देन इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे यहाँ पर मिल्क एंड हल्के फ्लेम पे स्टर करते रहना है, बिकॉज़ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले हमने इसे ड्राई रोस्ट किया था घी में, बेसिकली हमने इसे की भुनाई की हुई थी, जो भी एक्सेस मॉइस्चर था इसका हमने वो निकाला, फिर इंट्रोड्यूस कर दिया मॉइस्चर को मिल्क के फॉर्म में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क स्वीटनेस के लिए भी और एक अच्छी बाइंडिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शुगर भी ऐड किया हुआ है। गिव इट अ नाइस स्टर जब तक इसका मॉइस्चर अच्छे से रिलीज ना हो जाए। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा कोकोनट भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसका मॉइस्चर भी रिलीज हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप इस टाइप की हो गई है। देन स्टेज पर हम थोड़ा सा मिल्क इसमें और ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे होगी और ये अच्छे से बाइंड होगा, जिससे हमारा लड्डू अच्छे से शेप में आ जाएगा। देन हम यहाँ पर अब थोड़ा सा काजू ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी है, इससे हम अब टेस्टी टेस्टी लड्डू बनाएंगे। हल्के हैंड से हमें इस तरह से राउंड राउंड सा शेप देना है, और देन इसके बाद हम इसे कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में। मिक्सचर हमारा जो भी है उसे हमें 10 मिनट्स के लिए ठंडे होने के बाद ही लड्डू रेडी करने हैं। और यहाँ पर हमारे नारियल के लड्डू बिल्कुल राउंड राउंड गोल गोल शेप में बनकर रेडी हो गए हैं। सेम प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे, इसे भी हल्के हैंड से हमें बिल्कुल राउंड राउंड सा करना है, फिर अगेन हमें इसे कोटेड करना है डेसिकेटेड कोकोनट में। और ये नारियल के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। कृष्ण जी को इससे ज़रूर भोग लगाएं। कान्हा जी से रिलेटेड वीडियोस एंड कैसे उनकी पूजा करनी है और कैसे उनका भोग लगाना है, तो उसका मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो ट्राई दिस रेसिपी और मुझे बताएं कमेंट में कि कैसी लगी ये रेसिपी, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस डिलीशियस नारियल के लड्डू एट होम। And wish you all a very happy Janmashtami. Thank you so much. Take care and bye-bye.